दैनिक जागरण के नोएडा ऑफिस में पत्रकार पुष्प शर्मा की मुलाकात होती है मार्केटिंग विभाग के जनरल मैनेजर मनोज वालिया और मार्केटिंग विभाग के वाइस प्रेसिडेंट रवि कुमार पांडे से। इनसे पुष्प अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बातचीत शुरू करते हैं, जिस पर मनोज वालिया पुष्प को कुछ सलाह देते हैं। तो ये एक तरह का नंबर वन मेरा हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा, वुड यू प्लीज नोट डाउन। और तीन पॉइंट है तो बहुत ज्यादा ऐसे यहाँ से मेल आ जाएगा अभी तो। एंड सेकंड थिंग इज देयर आई नीड मनोज जी योर सपोर्ट, मनोज जी राइट, आई नीड योर समवेयर सपोर्ट टू मेक सम इनोवेटिव एंड पैकेजिंग। अब टीवी इसमें रेडियो में तो हमें लिबर्टी होती है, हम उन्हें बोल देते हैं आरजेस को कि हमारे जो राइवल्स हैं उनको थ्रेश करना है, चाहे वो कोई भी है, कांग्रेस है, जनता दल है, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी है। अब उसमें आरजेस को तो थोड़ा फनी वे होता है, वो बोल रहे होते हैं तो उनके पास लिबर्टी है, लेकिन प्रिंट में हाउ वी कैन गो अबाउट दिस, या तो उनके पुराने स्कैम्स को बार बार, क्योंकि वो हैमरिंग लगातार होनी चाहिए। इफ यू रिक्वायर क्रिएटिव सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, आई थिंक एडिटोरियली हाउ एडिटोरियल विल डिसगाइज दिस एंटायर थिंग दैट एक्चुअल एजेंडा को छुपा के, या एडिटोरियली, हां बट एडिटोरियली we do not have those creative people because it's a simple plain publication. Okay. We will not be able to design this kind of satires. I mean that nobody will be able to think that way. Okay. If you have an agency with you. Yes. Maybe, third party vendor. Maybe advertising agency, creative agency. Yes. Third party vendor. They will do wonders with this. Right. So they will come up with 100 ideas. Right. We can suggest. We are having. पत्रकार पुष्प शर्मा को हिंदुत्व का प्रचारक मानकर मनोज वालिया कुछ खुल से गए और वो बताने लगे कि किस तरह उनका अखबार एक राजनीतिक पार्टी को ऑलरेडी सपोर्ट करता है। मनोज वालिया कहते हैं, आप जानते ही हैं दैनिक जागरण जो ग्रुप है वो थोड़ा हम लोग सपोर्ट तो बीजेपी को ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोग जुड़े ही हैं उनके साथ पुराने समय से, वहीं से राज्यसभा के एमपी भी बनते रहे हैं यहां के डायरेक्टर, तो ये एक बात है। आप जानते हैं दैनिक जागरण जो ग्रुप है वो थोड़ा हम लोग सपोर्ट तो बीजेपी को करते हैं, उसमें से कोई दो राय है नहीं, और हम लोग जुड़े ही उनके साथ पुराने समय से, वहीं से राज्यसभा के एमपी भी बनते रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर्स। तो ये तो एक बात, आप उसमें जो मैं जा रहा था कि बता रहा था आपको कि कैसे ये बड़ी क्लियर कट हो जाएगी चीज, आपका एजेंडा ठीक है इस तरह कैंपेन, थोड़ा कहीं एक क्रिएटिविटी को डाल दिया अटैचमेंट में, किस टाइप का कि कुछ हम रन कर रहे हैं, मान लीजिए क्वार्टर पेज, अखबार का क्वार्टर पेज आप समझते हैं, जैकेट वगैरह कुछ ये सब भी लेंगे हम, जैकेट भी आप लेंगे, उस टाइप की चीजें भी करेंगे। 20 सीआर मैं अपने माइंड में लेके आया हूं जो मुझे पीछे से आदेश है। अच्छा हां, तो मनोज वालिया ने पुष्प के हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी तरह समझ लिया था, इस एजेंडे को दैनिक जागरण के माध्यम से चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वो पुष्प को सलाह भी दे रहे थे। आगे उन्होंने अपने सीनियर मार्केटिंग विभाग के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रवि कुमार पांडे से भी पुष्प को मिलवाया। रवि कुमार ने बातचीत में हमें बताया कि अगर एजेंडा एडिटोरियल से पास होने में कोई दिक्कत आती है तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाया जाता है, जिसके लिए उनके पास विशेषज्ञ भी हैं। पहली चीज तो प्रिंट के ऊपर है, अगर प्रिंट ही चला गया तो फिर उसके बाद उसके प्रिंट हमारा फ्लैगशिप है, एक बार प्रिंट में हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग पे आ गए कि ये एडवर्टाइजिंग, ये क्रिएटिव, ये एडिटोरियल, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें डिजिटल में या रेडियो में कहीं पर भी कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्योंकि साइज द रेवेन्यू साइज वुड बी आल्सो कंपैरेटिवली वेरी स्मॉलर, प्रिसाइजली हां, जब हम प्रिंट को दिमाग में, आई कॉम्प्रिहेंड, तो वो हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे और आपके बीच में जो जितना मेरे को समझ में आ रहा है, या जो छत्रपाल साहब का अभी इशू भी होगा, वो इशू ये होगा कि ठीक है, द काइंड ऑफ एडिटोरियल ही वांट्स टू गिव, whether that can go as it is, yeah, it would need certain modification, some filtration, some, yeah, the kind of creative probably he wants to get released, that requires certain modifications, slight tweaking, yes or no, yes, that ideology kind of thing. I asked Acharya ji ke if whenever that iske andar main aapko clear kar deta hu, matlab main ek step aur aage ja kar ke, as far as marketing, sales and marketing perspective is concerned, obviously since these all things would be getting is the revenue also, so as a revenue center I don't see there would be large format challenges. Challenge kahan pe aayega, when it goes completely against the organizational guidelines and ethics, uske liye there is a team of editorial also, so in a normal case kahin par bhi agar koi challenge rehta hai hame kisi bhi advertisement ko leke, aaj bhi badi sari cheeze aati jati rehti hain, to
there is a team of our professionals. हाँ, editorial also, editorial. तो editorial से brand से इनके साथ एक combined meeting हो जाती है और उसके basis पे we go ahead. तो I don't see कि there would be such challenges and your involvement won't be required in all these departments or maybe in other verticals also. Once we receive a communication, जैसे मनोज जी ने कहा ये communication आ जाएगा, इसके बाद में जो आपकी expectation in terms of creative ये सारी चीजें ये clear कर देते हैं, तो we can immediately let's say within 24 hours we would be in the position to get back to you कि हाँ ठीक है this is. दैनिक जागरण नोएडा ऑफिस के मनोज वालिया और रवि दुबे से पुष्प की बातचीत हो गई थी। इन्होंने पत्रकार पुष्प शर्मा के एजेंडे को चलाने से मना नहीं किया, बल्कि क्या एजेंडा चलना है उसकी मांग की। अभी तक की जांच पड़ताल में ये बात साफ हो गई थी कि दैनिक जागरण समूह में एजेंडा पत्रकारिता का बोलबाला है, चाहे वो समूह का अखबार हो या रेडियो स्टेशन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तहकीकात के अंतिम पड़ाव में पत्रकार पुष्प शर्मा पहुंचे दैनिक जागरण समूह के रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी के दिल्ली ऑफिस। यहाँ इनकी मुलाकात होती है सेल्स विभाग के रीजनल सेल्स हेड अनिल गुप्ता से। अनिल गुप्ता एक तरफ तो नियमों की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे निकलने का रास्ता भी बताते हैं। माय कर्नाटका टीम मस्ट हैव रेडियो एज अ मीडियम कैन नॉट यू नो प्रमोट और ओपाइन ऑन एनी पॉलिसीज एंड ऑल, बट यस देयर आर वेज टू इट। हम उसको एफसीटी में इनकैप्सुलेट करके चला सकते हैं, वैसे कर सकते हैं उसको editorial, some packaging, something. वैसे कर लेंगे, वो दिखाई वैसे like content है, लेकिन content होना है वैसे कर लेंगे। दिखाई ऐसे सुनाई ऐसे कि content में जा रहा है वो, लेकिन content ना हो actually। Editorial जिसको आपने बोला अभी, ठीक है वैसे कर सकते हैं। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, पांच है ना? अच्छा, और क्या नाम इसमें क्या नाम छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में हमारा टाइप है सुनील अमन के साथ। So we can have our agenda run there. Yes. Political things. Rajasthan और ग्वालियर लिख रहा हूँ अभी। और कर्नाटक तो हम कर ही रहे हैं। हाँ जी। अनिल गुप्ता पत्रकार पुष्प शर्मा के एजेंडे को अपने कई रेडियो स्टेशन में चलाने के लिए तैयार थे, साथ ही पुष्प के एजेंडे में आने वाली और भी बातों को अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से चलाने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो तीसरा मोहन भागवत जी के जो दशहरे वाले स्पीच है उसके इनकैप्सुलेट करके उसको हम कैसे चला सकते हैं। अब मल्टीपल टाइम्स रहेगा, ऑन एयर रहे चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, प्लस हम आपके कंटेंट को कैसे एडवर्टोरियल वाइज नॉट डायरेक्टली बट एडवर्टोरियल वाइज कैसे हम कंटेंट में भी उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। और जो फिर आपने बताया कि किसी श्लोक को लेकर भी हम एक श्लोक का बताया फिर उसको हमने वहां से रिलेट कर पॉलिटिकल सटायर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे शायद आज तक भी आता है सो सॉरी एनिमेटेड प्रोग्राम, सो वी कैन फॉलो द सेम रूट। अनिल गुप्ता ने पत्रकार पुष्प को बताया कि वो उनका एजेंडा कितनी मार्केट यानी कितने स्टेशन पर चला सकते हैं और हर मार्केट में हर सेकंड के रेट भी बताए, साथ ही दोनों के बीच इस एजेंडे को रेडियो स्टेशन पर चलाने के लिए मिलने वाली रकम को लेकर भी बातचीत हुई। वो जितना इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे उतना देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका बैंगलोर मार्केट है ठीक है, आपका राजस्थान में पांच मार्केट्स हैं, एक एमपी में मार्केट है, हैदराबाद में दो मार्केट है, हैदराबाद और वाइस है, तो मेरी मुलाकात इस इन सारी की सारी मार्केट्स का जो क्यूमुलेटिव ईआर आता है वो कुछ आता है 3,500-3,500 रुपए पर 10 सेकंड। तो आप उसके हिसाब से आप देख लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ 1,00,000 सेकंड फॉर एग्जांपल कि 1,00,000 सेकंड हम तीनों मार्केट्स में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका निकलेगा पैसा कितना, 1,30,000 रुपए पर सेकंड है, 30 रुपए पर सेकंड 300 रुपए, हाँ 300 रुपए पर सेकंड है, तो आप लगा लीजिए 3 करोड़ रुपए वैसे आ गया अगर हमने सारी मार्केट का 1,00,000 सेकंड किया तो। वो जितना इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आई थिंक $1 million इज अ मॉडेस्ट अमाउंट, इट इज अ मॉडेस्ट अमाउंट सर, इट इज अ गुड इनफ मनी टू स्पेंड ऑन। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया पे एडिशनल कर लीजिए जी। वाला पुष्प शर्मा द्वारा दैनिक जागरण समूह के अलग अलग कार्यालयों में जाकर उनके अधिकारियों से बातचीत करने पर ये बात उभर कर सामने आई कि ये समूह न सिर्फ एजेंडा पत्रकारिता से प्रमुख रूप से जुड़ा है बल्कि एक निश्चित पार्टी के फायदे की खबरें ही प्रमुख रूप से दिखाता है और इसके लिए वो अपने तीनों माध्यम समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।